किसानों के जरिए अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगी कांग्रेस अब यूपी के अलग अलग जिलों में महापंचायत का आयोजन कर रही है। इन महापंचायतों का मोर्चा संभाल रही हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जिन्होंने मथुरा में किसानों के जरिए एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा और खुद ही विवादों में फंस गई। आखिर प्रियंका गांधी के किस बयान पर बवाल मचा, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों के मसले पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस किसानों को मोहरा बनाकर अपनी राजनीतिक कार्ड खेल रही है। किसानों को लुभाने और अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रही है और इसकी कमान संभाली है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने। इस बार भी प्रियंका गांधी ने मथुरा के पालीखेड़ा में किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने यहाँ पीएम मोदी पर निशाना साधा और पीएम मोदी को अहंकारी के साथ साथ कायर भी बता दिया। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मथुरा की धरती अहंकार तोड़ती है, बीजेपी सरकार ने भी अन्नदाता के लिए अहंकार पाल लिया है। 90 दिनों से किसान दिल्ली की सीमा पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, 200 से अधिक किसान इस दौरान शहीद हो गए। पीएम मोदी दुनिया के हर कोने तक पहुंचे, लेकिन दिल्ली में किसानों से नहीं मिल पाए। कांग्रेस अपनी सरकार में तो किसानों का हक दे नहीं पाई, लेकिन मौका मिला तो बीजेपी सरकार में उसी हक को दिलाने की आवाज उठा डाली। किसानों की मसीहा बन रही प्रियंका गांधी ने ये भी ऐलान कर दिया कि अगर सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तो किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, और नया दांव खेलते हुए ये तक कह दिया कि उनकी सरकार आएगी तो ये कानून रद्द किए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सब कुछ उद्योगपतियों को बेचने का आरोप लगा दिया और कहा कि बीजेपी सरकार ने बेचने की ऐसी भांग डाली है, गोवर्धन पर्वत को संभाल कर रखिए, कल की कुछ नहीं पता, इसे भी बेचने की कोशिश न करें। केंद्र ने खरबपति मित्रों को लाखों करोड़ों कर्जा माफ किया है, किसानों का एक भी कर्जा माफ नहीं किया। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। आज कृषि कानून का विरोध करने वाली प्रियंका गांधी शायद ये भूल गईं कि उनकी भी कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान अपने घोषणा पत्र में इसी तरह का कृषि कानून बनाने का जिक्र किया था। कांग्रेस की ये पोल खुद कांग्रेस के पूर्व नेता संजय झा ने खोली थी और वही कांग्रेस आज इसी कृषि कानून पर राजनीति कर रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। चुनावों के लिए कांग्रेस कृषि कानून और किसान आंदोलन को मोहरा बना रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की कमान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रियंका लगातार सभाएं और महापंचायत कर रही हैं और सरकार पर उद्योगपतियों को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।